इंदौर राज्य साइबर सेल की टीम ने एक और धोखाधड़ी में नाइजीरियन आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक व्यक्ति के साथ आरबीआई के नाम से मेल कर 15,000 ब्रिटिश पाउंड गिफ्ट भेजने के नाम पर अपने अलग अलग खातों में 65,00,000 डलवा लिए थे, जिसकी शिकायत राज्य साइबर सेल में पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई थी, जहाँ पूरी जाँच करते हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर टीम इंदौर लाई है। फिलहाल में इस अपराध में पहले ही 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार राज्य साइबर सेल की टीम अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल इंदौर राज्य साइबर सेल पुलिस को मोहित महेश्वरी इंदौर निवासी द्वारा एक शिकायत की गई थी कि किसी व्यक्ति ने आरबीआई के नाम से मिलकर 15,000 ब्रिटिश पाउंड गिफ्ट भेजने के नाम पर अलग अलग खातों में लगभग 65,00,000 डलवा लिए। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए राज्य साइबर सेल की एक टीम ने टेक्निकल तौर पर जांच करते हुए दिल्ली तक पहुंची और इसमें एक नाइजीरियन आरोपी संडे को गिरफ्तार किया है। जी हां, इस अपराध में राज्य साइबर सेल की टीम ने पहले 2 आरोपी योगेश और वीरेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया था। फिलहाल में आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पासबुक, एटीएम कार्ड जब्त हुए हैं। आरोपी यह पैसे को नाइजीरियन भेजकर वहां महंगी गाड़ियां खरीदते थे और अपनी हवेली बनाते थे। उसमें मोहित महेश्वरी जो मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई कि उनको आरबीआई के नाम से एक ईमेल आया, जिसका कि ईमेल आईडी था rbionlinetransfernet@live.com। इस ईमेल आईडी से उनको एक मैसेज आया कि 15,000 ब्रिटिश पाउंड जो हैं उनको कस्टम ब्रांच से ट्रांसफर किए जाने हैं और इस बाबत फॉर्मेलिटी की जानी है। यहाँ से उनके साथ ठगी की शुरुआत हुई और फिर विभिन्न नामों से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंट्री लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग जगहों से उनके पास मेल आए और उनसे विभिन्न खातों में 65,00,000 रुपए जो है वो जमा करवाए गए। इस शिकायत को राज्य साइबर सेल ने दर्ज करके और इसमें जांच उपरांत अपराध दर्ज किया गया और विवेचना में ये पाया गया कि इसमें जो पैसे जमा कराए गए हैं, जो 65,00,000 रुपये उनसे जमा कराए गए हैं, उसमें काफी ज्यादा राशि जो है वो इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के अकाउंट में जमा कराई गई है।